सर मुझे अटैक पड़ा था, तो अटैक हाँ, में मैं डॉक्टर को एलोपैथिक डॉक्टर को चेकअप कराया मैंने। ये कितनी पुरानी बात हो गई? लगभग ये लगभग 22 महीने हो गए। 22 महीने हो गए जी। हाँ हाँ, तो सर जब उन्होंने बताया कि अटैक पड़ा है, तो अटैक का सोल्यूशन पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको बाईपास करानी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट की 5 नलियां जो है वो चौक है। हाँ, तो घर वालों फैमिली में जो लोग हैं सबने अपना मशवरा दिया कि भाई ऑपरेशन करा लेते हैं, ये सब चीजें करा लेते हैं, बाईपास कराते हैं। हाँ, ये सब चीजें हैं। उसी वक्त जो मेरा छोटा भाई है वो एलोपैथी आयुर्वेदिक जो है आपसे मिला था, तो उसने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब हैं विश्वकर्मा जी, होम्योपैथिक विश्वकर्मा जी हैं, अपन उनको दिखा लेते हैं। हाँ, तो फिर मैं आपके पास आया, यहाँ आपको मैंने दिखाया, आपने कहा कि वो जो जांच है जो एंजियोग्राफी, उससे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, तो आपने एंजियोग्राफी कराई, उसके बाद फिर मेरा जो ट्रीटमेंट आपने चालू किया। हाँ, तो जैसा एलोपैथिक में बताया गया था कि आपको ये ऑपरेशन बाईपास करानी है, सब चीजें कराना है आपको। हाँ, और कराना ही है। हाँ, लेकिन जब आपने आपके पास आया और जब मेरा इलाज चला, तो उसके सडनली 6 महीने के अंदर ही मुझे नॉर्मल जैसा मैं पहले था वैसा मुझे फील होने लगा था, और आज की डेट में मैं अपने आप को बिल्कुल जैसे पहले था वैसा महसूस करता हूँ, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और जैसी नॉर्मल लाइफ में पहले जी रहा था सेम टू सेम मैं अभी जी रहा हूँ। और इस इलाज से मुझे काफ़ी फायदा, और जो आपने सलाह दी कि जो अपन को खाने पीने का जो रूटीन होता है, उसमें रूटीन में जो मेरा परिवर्तन आया, क्योंकि पहले जो था मैं जो भी मन में आया मतलब हार्ड फास्ट ऑयली जो भी है अपन खाते थे उसको खाया मैंने, तो लेकिन अभी जब से इलाज शुरू हुआ है तब से जो आपने मुझे बताया है कि आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना है, और इस हिसाब से आपको अपना दिनचर्या खाना पीना रहन सहन जो भी है वो इस टाइप से करना है आपको, तो उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है, और वो मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगा उसको, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आदमी जो खाता पीता है उससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस परहेज और इस लाइफ को जीने से मुझे ये महसूस होता है कि मैं बढ़िया अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सारे काम कर पा रहे हैं? हाँ जी, पहले जैसा ही जो मेरे काम थे वो सब कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई अंग्रेजी दवा तो नहीं चल रहा? नहीं, कोई दवा नहीं चल रहा। ठीक है, आपका स्ट्रेस कम हो गया था जिस समय डॉक्टर ने आपको बोला बाईपास करना पड़ेगा जी, तो जिस तरीके से आप घबराए हुए थे, तो जब ट्रीटमेंट चला था आपका, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो एंजाइटी थी जी, और अंदर से मन कब से हल्का होना चालू हो गया था? जब मैं यहाँ आपके पास आया था तो काफी मतलब टेंशन था कि इससे फायदा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो लोग थिंकिंग होती है कि इससे आराम बहुत लेट होता है, और इसका जो इलाज है वो बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, और दूसरी चीज ये कि जो लोग हैं जिन्होंने नहीं किया या जिनको चीज की अवेयरनेस नहीं है, वो लोग हमेशा, और वो लोग ही अपनी लाइफ के आसपास जो है रिलेशन में सब लोग वही टच में रहते हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली मेरा जो पर्सनल इस चीज के लिए मेरी मशवरा राय है जो, वो ये है कि होम्योपैथिक से ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जैसा लोग बोलते हैं कि एलोपैथिक बहुत ज्यादा जल्दी आराम देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोपैथिक से ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेस्ट होम्योपैथिक ज्यादा बेस्ट लगा। हाँ, जैसे मेरे पर्सनल जो रिलेशन में है मेरे उन लोगों के हिसाब से जो उन लोगों की राय थी, मेरी चाची सगी चाची उनका कहना यह था कि नहीं भैया आप तो ऑपरेशन करा लो। हाँ हाँ। तो वो तो बस ये कि छोटा वाला भाई जो है उसने मेरे से बोला कि नहीं अपन एक बार वहां चलते हैं, तो मुझे वो कोई मुझे गलत राय देता नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर काफी है, तो उस हिसाब से जैसे उसने कहा मैंने चलो अपन चलते हैं। हाँ। और मैंने जब इसका आपका ट्रीटमेंट लिया हाँ। तो मुझे लगा, और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एलोपैथिक से ज्यादा बेस्ट होम्योपैथिक है, और ये जो है लाइफ ये आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले जीते थे, कोई बीमारी परेशानी से पहले जीते थे,
और इस इलाज के बाद भी है, आप वही जिंदगी जी सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगी होगी और आप नॉर्मल हो गए। अब जैसे कि मान लो मैं बाईपास कराता तो शायद आज मैं ऐसे बैठ के आपको ये सब चीजें नहीं बता पाता, क्योंकि मैं और जो मैं काम करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो मैं नहीं कर पाता। लेकिन आज की डेट में मैं अपना जो भी है सारे काम एज इट इज पहले जैसे करता था वो अभी कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि आदमी एलोपैथी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता है और जो भी परेशानियां होती हैं उसमें वो ज्यादा एलोपैथिक इलाज लेना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, जबकि के लोग इस चीज को बहुत, मैं भी बहुत मानता हूँ, और डॉक्टर का जो मेरा जब मैं चेकअप कराया तो मेरा उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हें अटैक आया है, तो क्या बोलते हैं उस वक्त कंडीशन में उन्होंने कहा कि भाई आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बाईपास करानी है। इस कंडीशन में मैंने होम्योपैथिक इलाज शुरू किया, तो जो मैंने इलाज लिया है तो उस हिसाब से अगर मैं वो कराता तो उसमें काफी खर्चा था, और इसमें खर्चा भी कम है और इलाज भी बेस्ट है वैसे, और आपको कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई चीज का वो है। तो मेरे हिसाब से आपको होम्योपैथिक ज्यादा बेस्ट है, और होम्योपैथिक की तरफ आदमी अगर करे और पूरे जो उसका ट्रीटमेंट है पूरा ले तो मेरे हिसाब से होम्योपैथिक से ज्यादा बेस्ट कोई तरीका नहीं है आदमी को स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा, आपकी शुगर का अभी कैसा है, क्या है, कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं शुगर के लिए? नहीं, मैं एलोपैथिक कोई दवाई नहीं ले रहा। जब आप आई थी इनिशियली तब कितना शुगर था आपका? लोग मेरा तकरीबन 450-500 के करीब था, 500 के आसपास था शुगर। अभी शुगर का वैल्यू जब हमने बार बार चेक किया तो किस रेंज में आ रहा है? 160-150 के रेंज में आ रहा है। अभी अलग से कोई दवा नहीं खा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। शुगर वगैरह कंट्रोल है? हाँ जी। कितना दिन हो गए? लगभग साल डेढ़ साल हो गया, 22 महीने लगभग हो गए मुझे। तब से आज तक शुगर नहीं बढ़ी है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। ठीक है।